डालते हुए और गुब्बारों में भरते हुए जैसे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं आप सब। सो स्वागत है आपका अभी स्मृति ब्लॉग्स के अंदर। और गाइस सुबह के दोपहर के बज चुके हैं डेढ़। अभी हम नहा धो के दुकान के अंदर आ गए हैं और थोड़ा काम वगैरह कर रहे थे, तो आपको पता ही सुबह सुबह काम होता है, इसीलिए थोड़ा लेट शुरू करता हूँ। सो आज के ब्लॉग के अंदर बहुत सारा एक्साइटिंग काम होगा, बहुत सारी चीजें। प्लीज एंड तक ब्लॉग देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है एंड में, क्योंकि एक सेलिब्रेशन होने वाला है और वो मैं आपको बताऊंगा वक्त के साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉग के अंदर ही। साथ में हमारे जुड़े रही एंड तक। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग पुराने हैं वो पूरी वीडियो देख के लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। सो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आज के ब्लॉग के अंदर देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। सामने मम्मी बैठी है, मम्मी से भी आपकी बात कराते हैं। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वैसे। सो गाइस ये है मम्मी और इनसे कर दीजिए आप भी नमस्ते, और मम्मी आप भी कर दो नमस्ते जी। तो आज बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, रही है हमारे साथ, और आपको आज के दिन में बहुत अच्छी एक्साइटिंग व्लॉग मिलने वाला है, बड़ा मजा आएगा, आज देखते रहिए। और कल का व्लॉग मुझे बताइए कैसा लगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं बताते हो, कमेंट बड़े कम कर रहे हो, देख रहे हो व्यूज आ रहे हैं बड़े कम, कमेंट आ रहे हैं। तो देखते रहिए आगे, हम भी आपको एंटरटेन करते रहेंगे, आप भी एंटरटेनमेंट करते रहिए। और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन जो घंटी बनी होती है वो जरूर दबा देना, क्योंकि वो घंटी दबाने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन आएगी कि हमारी नई वीडियो आ गई है। ठीक है, सो गाइज अभी चलते हैं और देखते हैं आगे बाकी सब क्या क्या कर रहे हैं। सो गाइज गर्मी से परेशान हम लोग, 4:15 हो गए, 2.5 घंटे हो गए लाइट गई हुई है, हमारा तो यही इन्वर्टर बिल्कुल खत्म होने वाला, और मतलब एक कमरे की लाइटें बंद कर दी है। मम्मी देखो बाहर बैठ के ये क्या कर रही है, सब्जियां काट रहे हैं इतनी गर्मी में, मतलब बाहर बैठ गए हैं कि पंखे बंद पड़े हुए हैं, लाइट बंद, सिर्फ एक लाइट चल रही है, इन्वर्टर भी खत्म होने वाला है, बड़ी दिक्कत बढ़ गई है, बहुत मुश्किल है यार। तो देखो अभी क्या क्या होता है शाम को, आपको पता है एक सेलिब्रेशन है, तो जैसे सेलिब्रेशन शुरू होगा देख सकते हो आज का सीन ये है कि हमारी सुनिधि जी तो पी रही है रोबजा वाला दूध, और माता श्री लगी हुई है अपने काम पे। वाह वाह वाह, ये घर में खुद सिलाई कर रही हैं, चलो अच्छी बात है। तो आज आपको पता ही है कि आज शाम को सेलिब्रेशन हो रहा है, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो आप सबके सरप्राइज है, इसलिए एंड तक बने रहिए वीडियो के, एंड में आपको एक अच्छा सरप्राइज देखने को मिलेगा, 100% श्योर गारंटी बोल रहा हूँ मैं आपको इस, ठीक है। सो गाइस अच्छा, सो गाइस ये आज यहाँ पर मैगी बनने वाली है, तो इसके लिए प्याज काटे जा रहे हैं, और मैडम को प्याज बहुत कड़वा लग रहा है ना, बहुत कड़वा। गैस तो अभी तक चलाई नहीं आपने, अभी ऑन करनी है। तो गाइज ये आज मुझे यहाँ मतलब मेरे को सीक्रेट पता लगा कि मेरे घर पे चाउमीन कब बनना बंद इसलिए हो गए हैं, क्योंकि ये मुझे मेरे लिए करते हैं कि अगर मैं 2 प्लेट खा लूंगा तो इसलिए अगर मैं ऐसे सीधे रास्ते नहीं कर सकता तो ये बनाना ही बंद कर दिया मैडम ने, है ना। ठीक है ब्रावा, ठीक है, मैं मुझे बाजार से खाने पड़ेंगे इसका मतलब, पूड़ियाँ तो मैंने खाई नहीं, आखिरकार जीत तो आपकी हुई। जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। ठीक है। सो गाइस बहुत परेशानी हो गई, मुझे कुछ खाने का दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो, ये नहीं खिलाती है ये यार, मुझे कुछ नहीं खिलाती। गाइस आखिरकार हमारे घर पे अब मैगी बनने लगी, चाउमीन तो मिले नहीं, मैगी तो मैं खा ही लूंगा। नेल जुड़ गया, कोई बात नहीं, नेल भी जुड़ जाएंगे, आ जाएगा नया यार, आहो तो आ जाएंगे ना, नए तो आ ही जाने हैं, तुम तो मैगी बना जल्दी जल्दी यार, भूख लगी है। पापा कहाँ जा रहे हो आप, तो खुली होगी दुकान दवाई वाली, 7 बज गए, 7:15 हो गए मेरे, खुली भी होगी। मैं जा रहा हूँ फिर ऊपर जाऊँ, नहीं खा के जाए, ठीक। सो गाइज अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, अभी जस्ट मुझे भी किसी का कॉल आया कि पेमेंट के लिए, तो मैं फटाफट से बाहर जा रहा हूँ, चलते हैं बाहर देखते हैं बाहर का नजारा कैसा है। सो गाइज आ गया हूँ मैं अब बाहर, मतलब जो करना था मुझे पेमेंट वगैरह लेने से, मैं लेके आ गया हूँ घर के अंदर, बहुत गर्मी है यार, तो अब फटाफट एसी के अंदर आया हूँ। तो सुनिधि जी देख लो क्या कर रही हैं, कपड़े प्रेस करने लगी हैं, ये घरेलू मेरी हाउस वाइफ जो है, ये अपने घर का काम देखो कैसे करती है, प्यारी सी बच्ची, ये देखो कपड़े प्रेस हो रहे हैं। तो आज वैसे यार तेरे वो स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी निकले 10th वाला होगा,
आज यानी कि हमारी 10th क्लास का रिजल्ट आउट हुआ है, तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल 10th क्लास स्टूडेंट। और हाँ, जो मेरे पिछले स्टूडेंट थे न्यू लाइट हाई स्कूल ग्रोटा के स्टूडेंट्स, उनको भी कंग्रेचुलेशन। अब तो मुझे कुछ बच्चों के नाम भी भूल गया, बट कुछ याद है, केशव, अतुल, आंचल, दीपिका, जो बच्चे मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। मैक्सिमम बच्चे जो तेरे वो ब्लॉग देखते ही है वैसे हमारा, तो उनको सबको कंग्रेचुलेशन हम दोनों की तरफ से कंग्रेचुलेशन। बट ये तो इन्होंने दो दो पेपर दिए 10th के, तो पास हो गए सारे। हाँ, पेपर तो दो हुए थे उस टाइम, क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा था, तो ऑन स्पॉट जो थे पेपर, बाकी जो अब वो पोस्टपोन कर दिए। अब दो के एवरेज पे ही जो है नेक्स्ट, अब सब पूरा कंप्लीट जो है वो रिजल्ट आउट किया गया। चलो, तो सब बच्चों को हम दोनों की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन जो पास हो गए हुए हैं। तो वैसे सारे ही पास हो गए, इस बार कोई रहा भी नहीं होगा वैसे। सो एवरीबॉडी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आगे के जो एग्जाम है भाई साहब, हर साल करोना नहीं आएगा, पढ़ना सब ठीक है। सो बाकी देखो जी, काम शाम लगे हुए हम सारे, और आज आपको पता ही है, मैं बार बार आपको हर बार हर शॉट में ये चीज कह रहा हूँ, रात को सेलिब्रेशन है, वीडियो एंड तक देखते रहना, क्योंकि एंड में बहुत मजा आने वाला है, और वो सेलिब्रेशन हमारा कल तक चलेगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब एक अच्छी सी, अच्छा है जो भी है सेलिब्रेशन, आप जरूर देखना उस चीज को, और एंड तक बने रहना वीडियो में, ठीक है, क्योंकि एंड तक देखोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि वो आज के वीडियो के एंड में ही होगा। वो साइड पे साइड में बैठ के बिल्कुल जैसे बकड़ियां नहीं बैठती हैं, सीधे बैठ के खाना पर नहीं, दीवार के साथ चिपक के। सो गाइज, यहाँ पर ना थोड़ा सा हम दोनों का थोड़ा झगड़ा चल रहा है छोटी सी बात पे। ये कह रही है कि लोग मुझे ज्यादा देखते हैं, मैं कह रहा हूँ कि इसको ज्यादा देखते हैं। तो प्लीज जो जो हमारी वीडियोस देखते हैं ना, वो हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ज्यादा किसको देखते हो, सुनिधि जी को या मुझे, ठीक है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज ये इतना सा काम कर देना, कहाँ दो अभी तो वो रही नहीं, तो प्लीज 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 इतना सा काम कर देना, जरूर बताना हमें कि आप किसको ज्यादा देखते हो, देखते हैं कितना परसेंट आता है ज्यादा सब किसी का, ठीक है। सो चलते हैं अभी, देखते हैं अभी नीचे क्या क्या चल रहा है, अभी तो नीचे सेलिब्रेशन का टाइम हो गया हुआ है, मगर आप प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कल का कैप्शन हमारा यही होगा, हु इज द नंबर वन, ठीक है, कौन रहेगा नंबर वन। तो गाइज, ये कपड़े वगैरह प्रेस हो चुके हैं और हम जा रहे हैं नीचे अब डिनर के लिए। मैडम उठो, चलो चलो डिनर के लिए, बस हम जा रहे हैं डिनर के लिए नीचे। और एसी रहने देना लगा हुआ यार, ऊपर आएंगे तो फिर थोड़ा मौसम ठीक ठाक लगता। फैन ऑफ कर दिया मैंने, एसी लगा रहने देना, लाइट भी ये बार दो कम कर देता हूँ। मैं डिनर वगैरह करके घर ऊपर आ चुका हूँ, तो बस अभी आपको पता ही है टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, और एक स्पेशल सरप्राइज जो है आप सबके सामने आने वाला है, तो बस आप देखते रहिए एंड तक, जुड़े रहिए, वो पार्टी आज होके रहेगी, ठीक है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो अब यहाँ पर सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है रात की, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू क्या चल रहा है आज, ये देखिए जरा, टेंटन है ये। अभी जी सुनिधि जी अपने अंदर से सारी फूंक निकालते हुए और गुब्बारों में भरते हुए, और ये अभी जी की शायद निकल चुकी है फूंक, इनसे या तो फूंक नहीं निकल रही या फूंक से ये नहीं निकल रहे, फूंक कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा इनसे। कैसा रहा, आया ना मजा। हे गाइस, सो अब हमारी हो चुकी है बहुत ज्यादा वाली बेइज्जती, क्योंकि हमें लगा था कि बलून काफी सारे होंगे, रूम पूरा फुल हो जाएगा, लेकिन एंड में निकले सिर्फ इतने से। गाइस यहाँ सिस्टम खराब हो चुका है थोड़ा सा, सब कुछ ही खराब हो गया यहाँ पे, तो अंदर ही हो गया सब कुछ खराब हो गया।
तो गाइज अब थोड़ा सा दिक्कत हो गई है कि हमारा जो सेलिब्रेशन था, सेलिब्रेशन तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सेलिब्रेशन होगा, बट ये है कि जो हमारे पास हमने सोचा था बैलून्स के 2-3 पैकेट पड़े हैं तो उसी को से हम थोड़ा सजा देंगे, तो बट ऐसा नहीं हुआ। बैलून का एक ही पैकेट बचा था, वो तो हमने फुला दिया और अपनी फूक जितनी देर फूक थी वो भी खत्म कर दी है, वो सजा दी है। तो बट चलो ठीक है यार, सेलिब्रेशन अपने बंदों से होता है, अपने घर वालों से होता है, खुशी तो उससे मनाई जाती है। तो बस देखते हैं आगे आगे, देखो कि अब आपको अभी तक ये नहीं पता कि आज है क्या, सेलिब्रेशन करेंगे बट आपको ये नहीं पता कि क्या ओकेजन है, तो वो आपको अभी बस 5-10 मिनट में हम बता देंगे, मतलब कि इस व्लॉग के अगले पोर्शन में आपको बता देंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, सुनील जी ने मुझे बड़ा फोर्स किया कि हमें बता देना चाहिए कि आपको क्या है, क्योंकि सुबह से लटकाया हुआ है, अभी तक लटकाए रखा है। तो एक्चुअली क्या है कि आज हमारे मॉम डैड की, मम्मी पापा की जो है, तू भी इधर आ जा, तेरे भी तो है, नहीं आ रहा तू बीच में, ये बड़ा टीट है, ये नहीं आता है, ये भी डालूंगा बीच में, पुत्र लगेगा बता। सो आज हमारे मम्मी पापा की 31st एनिवर्सरी है, तो बस उसी का सेलिब्रेशन सुबह से चल रहा है। तो सुनिधि जी के सामने ये दूसरा वाला है, क्योंकि पिछले साल ही हमारी शादी थी, एक एनिवर्सरी देख चुके, तब भी कोरोना था, और आज भी ऐसा है कि आज भी हम कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए घर पे ही सेलिब्रेशन करेंगे। तो बस अब आपको दिखाते हैं उनका केक कटिंग वगैरह सीन जो करेंगे, ठीक है। सो देखते रहिए। ये देखो, इसको बोला आने के लिए, उसके लिए मैं नहीं आ रहा, इसने अलग से बोला मॉम डैड का ना हैप्पी एनिवर्सरी, नहीं बोलना गुड। मैं तो बोलूं भाई, मैंने बुलाए हैं आधे ज्यादा, तो मैंने भी बुलाए हैं, आपने थोड़े से बुलाए हैं। अच्छा, झूठ बोल रखा, मेरी हवा निकल गई सारी। गाइज, दिस इज अ सेलिब्रेशन, यही है सेलिब्रेशन, हमारे पेरेंट्स की 31st एनिवर्सरी है, तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हैप्पी एनिवर्सरी वाह जी वाह, तू भी बोल रहे कुछ, हैप्पी एनिवर्सरी, यस यस यस, हैप्पी एनिवर्सरी। यही एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, मजा आ जाएगा भाई, एकदम मजा आ जाएगा सेलिब्रेशंस में। भाई सब ब्लैक फॉरेस्ट मेरे को फेवरेट है, मुझे चॉकलेट अच्छा नहीं लगता, ब्लैक फॉरेस्ट, आई लव चॉकलेट केक, आई ओनली लव चॉकलेट केक। सो जो जो वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज 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 अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, और 31 साल हो गए उससे ऊपर भी जाए। गाइस देख सकते हो कैसे तैयार हो गया राहुल, यहाँ पे फोटो शूट कराना है, डोला देखो राहुल कितना बड़ा लग रहा है। आप लोग भी खिला दो एक दूसरे को, आपकी भी नई शादी है, आपकी भी है, वेरी गुड, आप भी खिला दो, वेरी गुड। तो गाइस अब सेलिब्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमने केक कटिंग कर ली और हम केक खा रहे हैं सब लोग मिलके, और ये मुझे आपको पता मीठा देते नहीं है, नहीं मिलना चाहिए, क्या कर रहे हैं ये यार, मेरे माँ पे तो ब्याज के चलो। पापा अपनी शादी खुशी मना रहे हैं, खुशी है या बर्बादी तो पता नहीं, शादी है बर्बादी, 31 साल निकल के खुशी से निकले होंगे। सो गाइज हमारे यहाँ सेलिब्रेशन हो चुका है पूरा, मॉम डैड नीचे जा चुके हैं, तो अब मैं भी नीचे जाने लगा हूँ, ये लोग भी सोएंगे, इनको पता नहीं क्या हो रहा है, इन्हें शायद खुशी हो रही है। गाइज बहुत मजा आया है पार्टी करने का, अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं। सो आज के ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, तो करो एंड फिर। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। सो 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 गुड बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड